हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स। क्या ये होते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये दीज आर द गोल्स दैट ए फूड बिजनेस, या हमने देखिए कौन ज्यादातर इसको बना रहे हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव है तो फूड बिजनेस बना रहे हैं। सेट्स एंड आर गियर्ड टू प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग, क्या क्या करता है, सेफ एंड सुटेबल फूड जितना हम इनको अचीव करेंगे उतना हमारा फूड सेफ होगा, उतना अच्छा बनेगा, उतने हमारे चांसेस सेफ फूड के ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम इंटरनली ऐसी कई सारी चीज होती है, इनके साथ साथ हम फूड सेफ्टी मीटिंग्स कर लेते हैं मंथली, जिससे ये और अच्छा फूड सेफ्टी पे ध्यान दे पाए। फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं, जैसे कि इसको हमने ईयर का टारगेट बनाया होता है कि इस ईयर में हमने ये टारगेट ले लिए, तीन चार ही चीजें ले ली, कौन कौन सी लेती है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अभी मैं पहले बताता हूँ कि फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव को किस तरह से आपको छाटना है, किस तरीके से बनाना है। तो एनी ऑब्जेक्टिव, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का क्या होता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना चाहिए, एग्जैक्ट जानो। यू वन दे आर यूजिंग देयर डाटा एंड टारगेट्स टू द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट विद इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन। पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि वो जो हमने जो भी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं वो किस में यूज कर रहा है, ऑपरेशन के, इंप्रूवमेंट के, कहां पे, स्कोप ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन कहां पे आ गया, हमारा पूरा जो प्रोडक्शन एरिया का प्लांट के बाद, पूरे प्लांट की बात आ गई। मेजरेबल मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने टारगेट ऑब्जेक्टिव बना लिए जो अचीव ही नहीं हो पा रहे, हम कर ही नहीं पा रहे, तो और उसको हम उसको मेजर कर पाए कि कुछ ऐसी रेंज होनी चाहिए जो एक्चुअल उनके टारगेट्स होने चाहिए, एक्चुअल टारगेट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो कि जैसे कि आपने बोल दिया कि भैया हमारा रिवर परसेंटेज जो रहेगा 3.6% रहने वाला है, अब उसके लिए आपको सपोर्टिव डाटा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि हमारे कस्टमर कंप्लेन का भी जो भी प्रोसेस होगा उसको हम विद इन, अगर कोई कंप्लेन आती है विद इन, हम उसको 2 आवर्स में कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे कि फाइंड आउट करेंगे रीजन है। ये होता है एक्चुअल टारगेट्स, इस तरीके से टारगेट्स होते हैं। अचीवेबल मतलब उसको आप अचीव कर पाओ। अब मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया था वास्ट कि वो अचीव ही नहीं हो पा रहा, कि मैंने टारगेट दे दिया कि मैं अपना रिवर्क जनरेशन 2% रखूंगा और अचीव ही नहीं हो रहा, वो आ रहा है 3%, 4%, तो उसका कोई रोल नहीं। तो इट शुड बी अचीवेबल। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक में क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है अलाइन होना चाहिए फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि अचीवेबल है, रियलिस्टिक हो, मतलब फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं लिंक होना चाहिए। टाइमली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली, कि टाइम पीरियड के बीच में, जैसे हमने टाइम पीरियड बना देते हैं कि हमने 6 मंथ का बना लिया, कुछ लोग क्वार्टरली बनाते हैं, कुछ लोग 6 ईयरली बनाते हैं, कुछ लोग ईयरली बनाते हैं, जिससे कि जितना आप शॉर्ट पीरियड देखें और उसको देखेंगे उतनी आपकी फूड सेफ्टी अच्छी होने वाली है। टाइम रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं लेंगे तो आदमी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है बाद में करता हूँ अभी करता हूँ। टाइम रेस्ट्रिक्शन क्या रोल करता है, कैटलिस्ट का, भाई कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने का काम कर देता है, बेसिकली कैटलिस्ट का काम हो जाता है गोल अचीवमेंट के लिए। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि सारा फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव अभी हमारा सिलेक्शन का तरीका है। अब हम नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए, कैसे हम उनको सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी चीजें आपको सिलेक्ट तो आपने कर लिया, फिर आपने इन्फॉर्मेशन कैसे अपनी डाउनलोडिंग करनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब जैसे स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि टू रिड्यूस रिवर्क, कि रिवर्क बाय एक्स परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मान लो आपका लास्ट ईयर में आपका 6% था, तो इस बार आपने बोल दिया कि भाई मैं उसका 1% कम लेंगे लास्ट ईयर के मुकाबले, ये हो सकता है। टू इंश्योर दैट वी रिस्पोंड टू कस्टमर केयर विद इन एक्स आवर्स, जैसे कि आपने बोला कि भाई 2 आवर्स में कर लूंगा, 3 आवर्स में कर लूंगा, तो ये आपको करना है कि जितने मतलब मेजरेबल होना चाहिए। ये रीजन ये होता है कि आपने जो भी कस्टमर कंप्लेन है कितने टाइम में उसको कर दोगे, आपका पूरा रिप्लाई आ जाएगा, रेस्पॉन्ड हो जाएगा, सब चेकिंग कर लोगे, तो विद इन 2 आवर्स विद इन 3 आवर्स ये आप कर लोगे। Reduce the customer complaints by X percent from the previous year. Last year पे मान लीजिए 10 आई, आपने बोल दिया कि मैं इस बार उसका 3% कम करके दिखाऊंगा, लास्ट ईयर जो मेरी आई थी कस्टमर कंप्लेन है वो आप अचीव करने वाला है।
इट शुड बी अचीवेबल, या आपको जाना ऐसे नहीं कुछ भी बना देना जो आप अचीव कर सको, मेजर कर सको, वही चीज ऑब्जेक्टिव मानी चाहिए. टू इंश्योर दैट ऑल न्यू स्टाफ आर इंडक्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कि आपने उसको सबका इंडक्शन हो गया, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग हो गई, या आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव, अच्छा बन सकता है, सबको दिक्कत नहीं. टू इंश्योर द प्रोजेक्ट, जो आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं, आर एक्सेप्टेबल विद इन माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स, तो एक्सेप्टेबल लिमिट्स माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर सारे रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे आपको डाटा दिखाना पड़ेगा. मेंटेन जी रेटिंग, जो थर्ड पार्टी रेटिंग्स होती है उनके लिए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस के लिए जी रेटिंग, ग्रीन रेटिंग के लिए हम जी रेटिंग के लिए चले जाते हैं, तो उससे नीचे हम आने देंगे, अपना जी ग्रीन रेटिंग का स्टैंडर्ड हम मेंटेन रखेंगे. टू कम्प्लीट ऑल वेरिफिकेशन एक्टिविटीज, वेरिफिकेशन आपकी जो भी एक्टिविटीज हो सकती है उसमें कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, तो वो विद इन एक्स डेज ऑफ द शेड्यूल डेज, कि मान लीजिए विद इन टू डेज, विद इन थ्री डेज, कब का शेड्यूल डेज के अंदर हम कर लेंगे. एक इस तरह का हो सकता है 30 मिनट्स या 1 आवर, 30 मिनट्स की ट्रेनिंग या 1 आवर ट्रेनिंग ऑन द पर्सनल हाइजीन पे, या जीएमपी पे, या ड्रग पॉलिसी पे, या फूड सेफ्टी पॉलिसी पे, या फूड डिफरेंस पे, फूड फॉर्ट पे, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए. टू एवरी एम्प्लॉय, टू एवरी एम्प्लॉय, इसके लिए आपको डाटा रखना पड़ेगा कि आप फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी चीजें आप इसमें और भी फूड सेफ्टी रिलेटेड चीजें अकाउंट कर सकते हैं. और आपने देखा होगा सारा फोकस फूड सेफ्टी पे ही होगा. और इस तरह एक आप ये बना सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि नो कस्टमर कंप्लेन रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, कि आप टारगेट है कि आप फूड सेफ्टी पे रिलेटेड कोई कस्टमर कंप्लेन नहीं आती ना, कोई कोडिंग गलत हो गई है, कोई रैपर गलत हो गया है, कोई पेपर फट रहा है, दैट उन वो कस्टमर कंप्लेंट इसमें नहीं आएंगी. फूड सेफ्टी की आपकी फूड की कोई कंप्लेंट वाली चीज इसमें नहीं आनी चाहिए, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो दैट शुड बी मेजरेबल. तो ये इस तरह के कुछ हमने फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर कहा था कि कस्टमर कंप्लेंट विद इन एक्स आवर, सिमिलरली आप प्रोडक्ट रिकॉल का ही बना सकते हैं कि प्रोडक्ट रिकॉल में कोई भी आपका ट्रेसिबिलिटी का चीज आएगी वो हम विद इन 3 आवर्स उसको कंप्लीट करेंगे. इस तरीके से आप उसका डाटा बना सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने विदिन ट्रेन में कोई भी ट्रायल करके प्रोडक्ट रिकॉल का करते होंगे 1 से नहीं है या 2 से नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आप लोगों पर, तो उस चीज को आप दिखा सकते हैं. तो इस तरीके से एग्जांपल हो सकते हैं फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव का. इसके बाद चलते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन डाउनलोड टीम्स कैसे होना चाहिए, किन किन को इन्फॉर्म होना चाहिए. देन आता है कम्युनिकेशन टू योर टीम. तो जब जैसे आपका फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव और सेट हो गए, फॉर एग्जांपल वंस द फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स आर सेट दे मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब अगर आपके सेट होने के बाद आपको अपनी डाउनलोड टीम्स में सबको इन्फॉर्म करना है, कई तरीके हो सकते हैं, वो आपके इंटरनल मेथड है, आप चाहे उसको वर्बली बोल के कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, स्टाफ बोर्ड पर आप उसको चिपका सकते हैं, मेल कर सकते हैं. तो वही चीज़ें बताते हैं कि जैसे ऑल रिलेवेंट स्टाफ आइदर बाय डिस्प्लेइंग देम ऑन स्टाफ नोटिस बोर्ड, बाय मेल, बाय वर्बल डिस्कशन एट द फूड सेफ्टी मीटिंग, इस तरीके से आप अपने नॉर्मल को भी कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हर बंदे को इसके बारे में पता नहीं होगा तो उसको फुलफिल पूरी तरह नहीं हो पाएगा. दूसरा, अब आपने सब कुछ फुलफिल कर लिया, सब कुछ स्टैंडर्ड्स बन गए, ये हो गया, अब उसका रिव्यू कहाँ होगा? रिव्यू उसके आउटकम्स का रिव्यू होगा कहाँ पर? डाटा ग्राफ से आप उसका इजीली उसको रिव्यू बना सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव थे, ये इतना अचीव हुआ, इस तरीके से ये हुआ, ये अचीव का लेवल आ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 आपका ऑब्जेक्टिव थे, कितना आपका रेटिंग रहा, कितना क्या रहा, इससे हिसाब से आप इसको बना सकते हैं. और इसमें क्या है कि आप ये आउटकम्स रिव्यू होने बहुत जरूरी हैं, तो आपका कितना आपका प्रोग्रेस भी तभी पता चलेगा. दीज आउटकम मस्ट बी कंसिडर इन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स में होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं जब तक उसका पीडीसीए साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, प्लान डू चेक एक्ट या एनालिसिस, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एनालाइज, प्लान कर लिया आपने, बना लिया, डू कर लिया, चेक भी कर लिया, हाँ सर, फिर उसका दोबारा से ये वाला जो काम है वो यहाँ पे होगा, एनालाइज की सब फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो दोबारा से एक्शन होगा, सब चीजें होंगी.
ये जितनी चीजें मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताई है इसकी मैं पीपीटी भी साथ में अटैच कर दूंगा, उससे भी आप उसको पूरी तरह समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझना है या जो भी इधर कुछ रह गया हो तो उससे आपका कवर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।